दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स के बारे में। और जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स पर उपलब्ध हैं 3 चैनल्स, सोनी सब, कलर्स और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। इन 3 पेड चैनल्स को सब्सक्राइब करने का प्राइस कितना लगेगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, कारण यही है कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं निमिश जी, और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि इन 3 पेड चैनल्स को सब्सक्राइब करने का प्राइस कितना लगेगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर एक वीडियो के माध्यम से उसको बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। और अगर हमें लगता है कि उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी ज़रूरी है, या फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही सवाल का जवाब मिल जाता है, तो बिल्कुल अगर वीडियो ज़रूरी हुआ दोस्तों तो बिल्कुल अपडेट दिया जाएगा। और निमिश जी का यह सवाल था दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो के माध्यम से अपडेट देनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सोनी सब, कलर्स और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, अगर आप सब्सक्राइब करके जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स पर इन 3 पेड चैनल्स को देखना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन यानी पर मंथ कितना खर्च करना पड़ेगा, यानी कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंग सुपर एफटीए पर उपलब्ध इस पेड चैनल के बारे में, जिसका नाम है सोनी सब। और चैनल प्राइस आप देख सकते हैं दोस्तों 19 रुपीज, NCF इस 19 रुपीज पर लग जाएगा 10 रुपए का, और इसके बाद 19+10 यानी 29 रुपीज पर 18% GST जो कि होगा 5 रुपए 22 पैसे, और इसके बाद बनेगा टोटल प्राइस इस चैनल का जो कि होगा 30 डेज के लिए, और वो प्राइस होगा 34 रुपए 22 पैसे यानी कि 34 रुपीज एंड 22 पैसे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप केवल इसी पेड चैनल को 30 डेज के लिए सब्सक्राइब करके देखना चाहते हैं, तो आपको हर महीने खर्च करने पड़ेंगे 34 रुपए 22 पैसे। दोस्तों सोनी सब एक बेहद ही शानदार चैनल है, और ये जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी का चैनल है, बेहद ही पॉपुलर चैनल है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको एज ए सिंगल पेड चैनल भी सब्सक्राइब करके जिंग सुपर एफटीए पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलर्स चैनल के बारे में। दोस्तों कलर्स चैनल का भी प्राइस 19 रुपीज लिस्ट किया गया है जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स पर, और इस 19 रुपीज में 10 रुपए का NCF लग जाएगा, तो टोटल प्राइस बन गया 29 रुपीज। इस 29 रुपीज पर 18% GST वो हो गया 5 रुपए 22 पैसे, और इसके बाद आप तीनों को ऐड करिएगा तो प्राइस हो जाएगी टोटल चैनल की 30 डेज के लिए अगर आप सब्सक्राइब करके देखना चाहते हैं, तो प्राइस हो जाएगी 34 रुपए 22 पैसे यानी कि 34 रुपीज एंड 22 पैसे। तो दोस्तों कलर्स चैनल भी एक बेहद शानदार चैनल है, और जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स पर एज ए सिंगल पेड चैनल आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, और अगर 30 दिनों तक लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 34 रुपीज़ 22 पैसे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो 19 रुपये प्राइस वाले चैनल्स हैं वो लगभग 34 रुपये 22 पैसे के पड़ रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बारे में। तो चैनल प्राइस आप देख सकते हैं दोस्तों 19 रुपीज़, इस पर NCF लग जाएगा 10 रुपये का, वो हो जाएगा 29 रुपये, और इस 29 रुपये पर 18% GST यानी 5 रुपये 22 पैसे, टोटल चैनल की प्राइस बनेगी 34 रुपये 22 पैसे। तो दोस्तों अगर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल ही केवल सब्सक्राइब करके देखना है आपको जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स पर, तो आपको हर महीने खर्च करने पड़ेंगे 34 रुपये 22 पैसे यानी कि 34 रुपीज़ 22 पैसे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो तीनों चैनल्स थे उनके प्राइस थे 19 रुपीज़, तो 19 रुपीज़ चैनल प्राइस थे दोस्तों, और इसी कारण से जो टोटल प्राइस बन रहा है इन तीनों चैनल्स का अलग अलग दोस्तों वो बन रहा है 34 रुपये 22 पैसे। अब दोस्तों ये तो तीनों चैनल्स का अलग अलग प्राइस हो गया 34 रुपये 22 पैसे, अब अगर तीनों चैनल्स के इकट्ठे प्राइस मिला दिए जाएँ यानी कि जो टोटल प्राइस बन रहा है सब टीवी का, इसके बाद कलर्स का, और इसके बाद सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो जितना प्राइस टोटल होता है दोस्तों ये टोटल प्राइस आपको पर मंथ देना पड़ेगा अगर आप तीनों पेड चैनल्स को देखना चाहते हैं इकट्ठे एक साथ। तो दोस्तों टोटल प्राइस फॉर 30 डेज ऑफ एवर 3 चैनल्स इफ सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप देख सकते हैं 34.22 यानी कि 34 रुपये 22 पैसे प्लस 34 रुपये 22 पैसे प्लस 34 रुपये 22 पैसे, ये तीनों प्राइस मिलाकर के बन जाएगा दोस्तों 102 रुपये 66 पैसे। तो दोस्तों अगर जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स में जो एफटीए चैनल्स आते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ, उनके साथ साथ अगर आप इन तीनों चैनल्स को भी देखना चाहते हैं
तो आपको हर महीने दोस्तों 102.66 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये तीनों पेड चैनल्स आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जिंग सुपर एफ सेट टॉप बॉक्स पर। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंगल पेड चैनल जब हम ऐड करते हैं, एक से अधिक करते हैं, तो भी कोई डिस्काउंट नहीं, यानी कि अगर एक पेड चैनल आपका टोटल बन रहा है 34.22 रुपये का, तो दोस्तों दूसरा भी प्राइस 34.22 रुपये ही हो रहा है, तीसरे का भी 34.22 रुपये ही हो रहा है, तो क्या ऐसे ही ऐड होते जाएंगे 19 रुपीज़ चैनल वाले प्राइस इस तरीके से? दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से ऐड होंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिकली एफडी चैनल्स दिखाने के लिए जिंग सुपर एफडी सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया गया था डिश टीवी के द्वारा। लेकिन उसकी खूबसूरती है दोस्तों कि आप इसमें सिंगल पेड चैनल भी ऐड करके देख सकते हैं, तो जो चैनल आप ऐड करेंगे दोस्तों उसका प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी हो सके। दोस्तों आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए जिससे आपको जानकारी हो सके किसी विषय पर, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हम बताएं दोस्तों, बिल्कुल कोशिश करेंगे उस विषय पर हम वीडियो बनाने का। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।